करते हैं। जैसे एक तो सिंपल जमा होती है, जैसे दो जमा तीन हो गए पाँच। ये तो जमा हर किसी को यकीनन आती होगी, बच्चा बच्चा भी ये जमा सीख लेता है। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बटा वाली जमा। अक्सर आप इस तरह की लिखी हुई देखते हैं, रकम वगैरह, यानी डिजिट्स में। इसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन भी कहते हैं, यानी चार बटा पाँच जमा पाँच बटा छः, इस तरह के ना काफ़ी क्वेश्चन आपने अक्सर देखे होंगे। और ये वो क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स हल करते वक्त बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। देखने में तो इजी लगते हैं लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको इसके फार्मूलाज का पता चल जाएगा तो बहुत इजी हैं। जैसे कि हम करते हैं तीन बटा दो जमा पाँच बटा छः, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऊपर वाली रकम को, जैसे तीन और पाँच, इन दोनों को जमा कर देते हैं और नीचे वाली रकम को ऐसे लिखकर दोनों को जमा करके कहते हैं इसका आंसर आ गया आठ बटा आठ, जो कि बिल्कुल गलत है। जब भी हम फ्रैक्शन वाली रकम को जमा या माइनस करने का सोचते हैं तो याद रखें हम इनके जो नीचे वाले हैं जैसे टू और सिक्स, हम इनका क्या लेते हैं एलसीएम, हम इनका क्या लेते हैं एलसीएम। और एलसीएम हमेशा इकट्ठा लिया जाता है, फर्स्ट रकम लिखकर, डिजिट लिखकर, सेकंड नंबर लिखकर, दोनों के दरमियान कॉमा डालकर, इस तरह हम इनका एलसीएम लेते हैं। जैसे टू वन ओवर टू वन द टू, टू थ्री द सिक्स, अब टू नहीं है तो हम थ्री से करेंगे, थ्री वन द थ्री एंड थ्री वन द थ्री, जो इसमें जिससे हमें नहीं ताल्लुक हम उसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो बाद में ये जो साइड पे आती हैं इनको हम क्या कर लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई, जैसे टू एंड थ्री इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गए सिक्स। तो ये जो सिक्स है ये हमारा क्या है एलसीएम। एलसीएम को हम एक बड़ी लाइन लगाकर इनके इक्वली तकरीबन नीचे एलसीएम लिख देंगे। और फिर जिनका हमने एलसीएम लिया है उसके साथ हम इसका टेबल पढ़ेंगे कि यहाँ तक इसका टेबल कंप्लीट हो जाए। जैसे टू का टेबल पढ़ेंगे हम सिक्स तक, तो कितनी बार पढ़ेंगे, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, कितनी बार, टू वन ज़ा टू, टू टू द फोर, टू थ्री द सिक्स, जैसे टू वन द टू, टू टू द फोर एंड टू थ्री द सिक्स। हमारे पास टू भी है सिक्स भी है तो हमारे पास कौन सी आ गई थ्री, तो हम टू का टेबल थ्री टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री। अब ये जो हम ऊपर लेंगे उसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट लाइक थ्री थ्री ज़ा नाइन प्लस सिक्स को सिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि सिक्स आ जाए। तो हम देखते हैं सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल सिक्स, सिक्स वन ज़ा सिक्स, ओ सिक्स वन ज़ा सिक्स, इट मीन्स सिक्स का वन टाइम टेबल हमने पढ़ा, तो फाइव वन ज़ा फाइव, नाइन, और बाद में हम नाइन और फाइव ऊपर वाली रकम को अलग से प्लस कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास फोर्टीन ओवर सिक्स। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हम इसको दोबारा से हल करते हैं। हम अब क्वेश्चन लेते हैं टू ओवर थ्री प्लस फाइव ओवर फोर। अब हमने क्या करना है, अगेन हमने सबसे पहले क्या देखना है, अगर हमारी रकम फ्रैक्शन में है तो हमने थ्री एंड टू फोर का एलसीएम ले लेना है, रफली ले लें रफ साइड पे एलसीएम, थ्री और फोर को ऐसे इकट्ठा लिखेंगे लेकिन इन्हें सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाएंगे। फिर हम सबसे पहले देखेंगे
टू से भी कर सकते हैं आप, कि टू के टेबल में फोर आता है, सबसे पहले टू से देख लें। थ्री से हमें नहीं मतलब, हम फोर को देख रहे हैं तो थ्री नहीं आ रहा, हम वैसे ही लिख देंगे टू टू द फोर, देन थ्री वैसे ही रहेगा फिर से, क्योंकि टू के टेबल में थ्री नहीं आता तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हमारा मतलब है टू कॉल करना है, टू ऑन द टू, टू ऑन द टू, देन ये हमारा सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब सिर्फ थ्री रह गए, थ्री वन द थ्री और ये वन वैसे ही। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट काउंट मल्टीपल, यानी थ्री और फोर वो मल्टीपल आएगा हमारे पास जिसमें थ्री का टेबल भी आ जाएगा और फोर का टेबल भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब फिर हम जब ऐसे निकाल लेते हैं, जब हम दो रकम टू डिजिट्स का एलसीएम निकालते हैं तो इट मीन्स दोनों का वन वन नीचे आ जाएगा, तो फिर हमारा एलसीएम काउंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये साइड वाली रकम को या डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री इक्वल टू टू द फोर एंड थ्री फोर थ्री द ट्वेल्व, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं आप अपनी आसानी के लिए, जिस तरह आपका दिल करे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह चाहे इसका टेबल पढ़ सकते हैं, जैसे टू थ्री द सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू इक्वल ट्वेल्व, तो हमारा एलसीएम आ गया 12। मैंने जैसे कि पहले भी बताया, इन दोनों के इक्वल हम एक लाइन लेते हैं, उसके नीचे एलसीएम लिखते हैं, जो हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे वो इसके नीचे लिखेंगे। फिर हम थ्री और फोर का हमने एलसीएम लिया, थ्री एंड फोर का, तो हम थ्री और फोर का टेबल पढ़ेंगे, थ्री का टेबल पढ़ेंगे 12 तक कि थ्री आ जाए, यानी डिवाइड करके चेक कर लिया करें। इस तरह भी आप कर सकते हैं कि 12 को अंदर लें और इसके इससे 3 से डिवाइड करके देखें, 3 4 द 12, इस मीन्स हमारे पास क्या आया 4 आंसर। तो इसको इसके ऊपर वाले के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 4 द 8 प्लस, अब 4 का टेबल तो 4 को भी हम डिवाइड कर लेंगे एलसीएम के साथ, 4 3 द 12, हमारे पास 3 आया तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 3 द 12, 3 5 द 15। अब 15 और 8 को हम क्या करेंगे, प्लस, 15 और 8 को हम प्लस करेंगे, जल्दबाजी ना करें, आराम से प्लस कर लिया करें। अगर तो आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह कर लिया करें। 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 1 कैरी हो जाएगा, और 8 एंड 8 वन द नहीं 1 एंड 1 2, क्योंकि ये कैरी हुआ था 1 एंड 1 2, 23 हो जाएगा, हम दोनों को प्लस करेंगे तो 23 ओवर 2। तो देखें इस तरह हमारे जितने भी बटा के क्वेश्चन होंगे, स्पेशली प्लस और माइनस वाले आप चेक कर सकते हैं, तो हम इसी तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन और आपकी आसानी के लिए दे देते हैं, इसमें लगाते हैं हम। तो मैं बात कर रही थी कि चलिए मैं आपको माइनस का भी एक क्वेश्चन समझा देती हूँ कि माइनस किस तरह करते हैं। याद रखें, जब फ्रैक्शन में हो रकम तो दरमियान में माइनस या प्लस, सिर्फ माइनस और प्लस के लिए ये रूल हम अप्लाई करते हैं कि हम उनके नीचे वाली दोनों डिजिट्स का एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था, अब फिर बता देती हूँ। 6 और 8 का हमें एलसीएम लेना है, 6 एंड 8, और दोनों में कोमा लगा कर लिखना है और एक ही तरह निकालना है, 2 3 द 6, 2 4 द 8, अगेन देखें 2 के टेबल में आ रहा है 4, हमने 3 को वैसे ही लिख दिया क्योंकि 3 में 2 का कोई लिंक नहीं है 3 के साथ, तो हम 3 को वैसे लिख देंगे, 2 2 द 4, देन 2, अगेन 2 है इसमें, हम पहले 2 को ही फिनिश करेंगे, 3 को वैसे लिख देते हैं और 2 ऑन द 2। अब एक इस 8 का 1 आ गया, हमने जितनी भी रकमों का एलसीएम लेना होता है, जितने भी डिजिट्स का एलसीएम लेना होता है, उनका लास्ट में 1 आना ज़रूरी है।
अब हम 3 को करेंगे, 3 वन ज़ा 3 और 1। अब देखें 6 और 8 हमारे पास 2 थी, दोनों का हमारे पास 1 1 आ गया है। ठीक है, तो हम ये जो साइड में होती है इसको हमने क्या करना होता है, हमेशा मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के लिए आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखकर इसको कर सकते हैं। 2 2 द 4, 2 3 द 6, इस तरह भी कर सकते हैं इसी तरीके से कि हमारे पास क्या आ गया 24। अगर इस तरीके से आप नहीं करना चाहते, मज़ीद देखें आप इसको ही एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको कर सकते हैं 2 2 द 4, 4 2 द 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 द 24। अच्छा, तो हम कर रहे थे माइनस का क्वेश्चन और हमने इस तरह एलसीएम को मल्टीप्लाई किया। जो साइड पे आएगा हमने इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं 8, और अपनी आसानी के लिए हम दो तीन जोड़े बनाकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा एलसीएम क्या आ गया 24 और आया किसका 6 एंड 8 का। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक थोड़ी बड़ी सी लाइन लगाकर इन दोनों का एलसीएम हम इधर लिख देंगे। और 6 और 8 का ही एलसीएम लिया, अब इनका ही टेबल हमने यहाँ तक पढ़ना, 6 का टेबल 24 तक पढ़ेंगे। तो 6 वन द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24, 11 4 द 44 माइनस 8 3 द 24 एंड 13 3 द 39। ठीक है, अब 44 में से 39 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5/24। तो चलें, आपको ये क्वेश्चन उम्मीद है, अब ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन प्लस के हों चाहे माइनस के हों, एलसीएम लेना और इनको सॉल्व करना आ गया होगा। तो हम एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपने वो सॉल्व करना है और हमें कमेंट में उसका आंसर चेक करवाना है, फिर हम आपको बताएंगे कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। क्वेश्चन है 11/5 प्लस 17/20। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करके हमें बताना है कि कहाँ तक आपको समझ आई, फिर मैं मज़ीद आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। सो अल्लाह हाफिज़ दिस क्वेश्चन।